नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय गौतम और आप देख रहे हैं कार के इंडिया यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है पुरानी गाड़ियों से रिलेटिव। सो गाइस, काफ़ी दोस्तों की भाइयों की हमारे पास डिमांड आती है कि कोई स्विफ्ट गाड़ी लेके आओ जो कि कम चली हुई हो और कम प्राइस की हो, साथ में कार की कंडीशन भी A1 हो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती हैं स्विफ्ट को और स्विफ्ट डिज़ायर को लेकर। सो मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट कार है वो काफ़ी हद तक एक फैमिली कारों में शुमार होती है और काफ़ी अच्छी कारों में नंबर वन पर आती है। सो गाइज, आपकी डिमांड को लेकर मैं आज लेके आ चुका हूँ एक स्विफ्ट कार, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसका मॉडल नंबर 2014 है और कार की कंडीशन A1 है और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। सो गाइज, अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं एक स्विफ्ट कार को जो कि कम चली हुई हो, कम प्राइस की हो और आपके ही बजट में हो, तो बने रहें वीडियो के एंड तक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी डिमांड फुलफिल हो सके नेक्स्ट टाइम जब आप कार परचेस करने का ख्याल अपने दिल या दिमाग में ला रहे हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर कंडीशन के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे गाइस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कार की जो फ्रंट प्रोफाइल है उसमें आपको फोग लैम्प अवेलेबल मिल जाते हैं। हालांकि फोग लैम्प का जो ग्लास होता है वो तिड़का हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन साथ में आप उसे छोड़कर ये देख लीजिए जिसकी हेडलाइट है वो आपको काफ़ी लाजवाब कंडीशन में मिल जाएगी और कार काफ़ी चमकती भी आपको दिखाई दे रही होगी। आगे से आप देख सकते हैं साथ में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, UP 16 नंबर रजिस्ट्रेशन ये कार है। लोकेशन इस टाइम गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, ये इस टाइम आपको साई मोटर वालों के पास मिलने वाली है और UP 16 मतलब नोएडा का नंबर रजिस्टर्ड है इस टाइम और कार पे इंश्योरेंस अभी वैलिड है, ठीक है। और गाइज, अगर बात करें कार पे कार लोन फैसिलिटी की, तो आपको इस कार पे कार लोन फैसिलिटी साथ में अवेलेबल मिलने वाली है। कार पे फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल मिलने वाली है। मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, आपको इस कार को परचेस करने के बाद में एक रुपया लगाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि कार बिल्कुल A1 कंडीशन में आपको दिख रही है और बाकी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगा धीरे धीरे। जैसा कि आप देख सकते हैं कार का बोनट बम्पर आपको A1 मिल जाता है, साथ में आपको वाइपर एक्टिव कंडीशन में मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले टायर ही लेते हैं हम साइड प्रोफाइल में। देख सकते हैं आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं इसके अंदर, साथ में पावर ब्रेक मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाले हैं फ्रंट में। और साथ में अगर बात की जाए साइड मिरर की, तो साइड मिरर काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ही अंदर से दबा हुआ है, बिकॉज़ अंदर बाहर निकालने में गाड़ियां तुम जा नहीं सकते हो। किसी डीलर के पास जब गाड़ियां खड़ी होती है तो डेली वेज सुबह शाम कार को अंदर किया जाता है और बाहर किया जाता है, परफेक्ट कंडीशन में कार नहीं चला पाते, तो इसलिए थोड़ा लग चुकी है, लेकिन कार का अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फर्स्ट ओनर कार है, कार अभी लगी हुई नहीं है और कार पे आपको दोबारा से कोई डेंट पेंट भी नहीं दिखाई देगा। तो देख सकते हैं टायर की कंडीशन काफ़ी प्यारी आपको मिल जाएगी, अभी कोई घिसे हुए नहीं है, चारों टायर की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। साथ में मैं आपको बताऊँ, अगर इंजन की हम बात करें, इंजन मैंने खुद चेक किया हुआ है अपने ओन एक्सपीरियंस से, मैं आपको बता दूँ कार का इंजन A1 आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो मेरी ऑडियंस होती है, जो मेरी फैमिली होती है, मैं उनको 100% जेन्युइन चीज़ दूँ, क्योंकि भाई अगर मैं अपनी फैमिली को नाराज़ करूँगा तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन गाइज, उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आपकी एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और दिल खुश हो जाता है तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का फिर दोबारा से मेरा भी मन करता है। तो चलिए साइड प्रोफाइल की हम बात कर लेते हैं। साइड में देख सकते हैं आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, DDIS की आपको बैजिंग मिल रही है यहाँ पे। साथ में अगर हम क्रोम वाइज बात करें, तो सिल्वर की आपको क्रोम मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक, उसके नीचे जस्ट नीचे आपको ब्लैक फाइबर प्लास्टिक मिल जाती है, इस पर आपको फोर सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में लिखा हुआ है। साथ में देख सकते हैं ये क्रोम काफ़ी यूनिक लग रही है और काफ़ी प्यारी भी लग रही है। तो अगर हम बात करें कार के फ्यूल टाइप की, तो डीजल आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। आ जाओ बैक में आ जाओ। सो गाइस, अगर हम बात करें कार की बैक प्रोफाइल के बारे में, तो आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, साथ में मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है, स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, स्विफ्ट VDI वेरियंट आपको मिल जाता है, साथ में स्टॉप लाइट आपको अवेलेबल मिलने वाली है, ठीक है ना गाइस। और देख सकते हैं कार काफ़ी हद तक बढ़िया कंडीशन में आपको मिल रही है, बैक लाइट आपको मिल जाती है, नॉन स्क्रैच, अभी तक कोई स्क्रैच आपको नहीं दिखाई देगी पूरी कार पे। तो चलिए गाइस, अब मैं कैमरा लेके आपको एक एक डिटेल दिखा देता हूँ इंटीरियर की। सो गाइस, आपको कार का इंजन मिलने वाला है 1248 cc का, और साथ में अगर हम मैक्स पावर की बात करें, तो आपको 4000 RPM की मिलने वाली है और मैक्स टॉर्क आपको मिल जाता है 2000 RPM का। साथ में अगर बूट स्पेस की बात की जाए, 268 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, फुल टैंक की कैपेसिटी 37 लीटर की मिल जाती है। बॉडी टाइप आपको हेड
बैक का मिल जाता है। साथ में अगर हम लेंथ की बात करें तो 3840 mm की आपको लेंथ कार की मिलने वाली है। अगर हम चौड़ाई की बात करें 1335 mm मिलने वाली है और हाइट आपको 1530 mm मिलने वाली है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। सो गाइस देख सकते हैं ओपन करते ही यहाँ पर आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है। इसमें एक लाइट आपको जलती हुई दिखाई देगी। साथ में आपको चारों ही विंडोज पावर विंडो अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है फिनिश के साथ में और यहाँ बोतल रखने का स्टैंड देख सकते हैं और साथ में आपको यहाँ मिल जाता है स्पीकर। चारों विंडो में वैसे स्पीकर आपको इंक्लूडेड मिलने वाले हैं। यार एक बार डैशबोर्ड देख लीजिए जरा कार का, क्या प्यारा लग रहा है, कसम से लाजवाब डैशबोर्ड आपके लिए होने वाला है। कार एक नंबर है गाइस, यार बहुत लाजवाब कार है। देख सकते हैं स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस आपको बिल्कुल सही मिल जाता है। यहाँ डॉक्यूमेंट रखिए या फिर अपने खाने पीने का सामान कैरी करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको कप होल्डर मिल जाता है, उसके एकदम ऊपर आपको एसी मिल जाता है, ठीक है ना। और साथ में देख सकते हैं कार्बन फाइबर की आपको फिनिशिंग मिल जाती है डबल टोन में। जी हाँ, डबल टोन आपको मिल जाती है। और साथ में अगर हम बात करें म्यूज़िक सिस्टम की तो यूएसबी स्लॉट, चार्जिंग स्लॉट और आपको ऑक्स स्लॉट मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की बैटरी का स्लॉट, जिसमें चार्जर लगाइए और अपना मोबाइल चार्ज कीजिए और एंजॉय कीजिए। गाइस ये हालांकि 2014 मॉडल है और इसमें अभी तक आपको ब्लूटूथ का कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसमें आपको बेस ट्यूब रखी हुई मिल जाती है जो ओनर ने रखी हुई थी। बाकी अगर हम गाइस बात करें कार के अंदर से कंडीशन की तो यकीन मानिए गाइस एक नंबर कंडीशन आपके लिए होने वाली है। स्टेयरिंग में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ आपको चारों ही विंडोज़ के पावर के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। साथ में हम रनिंग की बात करें तो रनिंग मिल जाती है आपको मात्र 42,000 किलोमीटर। जी हाँ, ये चली हुई है मात्र 42,000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ में। अगर कंट्रोल्स की बात की जाए तो एसी के कंट्रोल्स हों या फिर आपके लाइट्स के कंट्रोल हों या फिर आपको वाइपर के कंट्रोल हों, सब कुछ जेन्युइन मिल जाएगा और जेन्युइन चली हुई है। बाकी आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ आपको ट्यूटर मिल जाता है, ठीक है। चारों ही जो विंडोज़ हैं उनमें स्पीकर मिलेंगे और उनके अलग अलग आपको ट्यूटर मिल जाते हैं, ठीक है ना गाइस। और एयर कंडीशनर मिल जाता है कार के अंदर, एसी बिल्कुल लाजवाब कंडीशन में आपको मिल जाएंगे चलते हुए। साथ में अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट भी आपको चलती हुई मिल जाती है, ठीक है। कार में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। साथ में फर्श पे आपको मैट बिछी हुई देखने को मिल जाती है और सीट कवर आपको मिल जाते हैं बढ़िया कंडीशन में। देख सकते हैं इनकी जो सिलाई स्टिचिंग वगैरह है वो भी आपको लाजवाब मिलने वाली है और बैक प्रोफाइल भी कार की काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। तो अगर फाइनली गाइस हम बात करें कार के प्राइस की तो ओनर इसके मांग रहे हैं मात्र 4,50,000 रुपये। जी हाँ, ये नेगोशिएबल प्राइस है, बार्गेनिंग कीजिए और परचेस कर लीजिए स्विफ्ट कार को।